बोलिए बोलिए। दंतेवाड़ा एसपी को गोपनीय सूचना के आधार पर नक्सली की सूचना मिली और उस आधार पर यहां से हमारे डीआरजी जवान की दो टुकड़ियां गई थी। घटना स्थल पे एक नक्सली के साथ मुठभेड़ हुआ, एक नक्सली घायल हुआ और एक नक्सली को पकड़ लिए और घायल नक्सली और जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर वापस आ रहे थे और एरनपुर के पास आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 10 हमारे डीआरजी के जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई। हमारे जो जवान हैं वो लड़ते हुए क्योंकि वो सूचना के आधार पर गए थे और उन्होंने नक्सली को घायल भी किया था और लौट रहे थे और उस समय एक घटना घटी जिसमें 10 जवानों की शहादत हुई, हमारे डीआरजी के एक सिविलियन की हुई। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, कि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। जहां भी नक्सली के होने की सूचना मिलेगी हमारे जवान अब घेर के उनके साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो समर्पण करना चाहते हैं उसके लिए समर्पण की नीति और यदि लड़ते हैं तो फिर हमारे जवान पीछे नहीं हटे। पिछले समय की भी घटना आप देखेंगे, लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए थे, जितने हमारे जवान शहीद हुए उससे ज्यादा नक्सलियों को नुकसान हुआ था। अभी भी हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए हैं, मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीएम साहब, आज आपकी आंखों में कमिटमेंट दिख रहा था, क्या माने और तेज होंगे ऑपरेशन? देखिए, इन 4 सालों में आप देखेंगे कि कोर एरिया में 75 कैंप स्थापित किए हैं। पहले तो बफर जोन पे ही कैंप खुलते थे, अब जगरगुंडा जाने के लिए आपको सुकमा जाने की जरूरत नहीं है, एरनपुर से भी जा सकते हैं आप, खिदम से धरमगढ़ और बीजापुर बासागुड़ा से होते हुए जा सकते हैं, सुकमा से दोर्रापाल होते हुए आ सकते हैं। तो ये जो एरिया है कुवर्ती का, जैसे हिडमा का हेडक्वार्टर कहा जाता है, अब वो लगभग चारों तरफ से घिर चुका है। नेशनल पार्क के एरिया है, अब वो हमारे जवानों के पहुंच के अंदर है, तो अब उसके छुपने की जगह अब इस एरिया में बीजापुर सुकमा दंतेवाड़ा में अब नहीं रहा। और जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो भी बनाई जा रही है, कैंप खोले जा रहे हैं जनता की सुविधाएं के लिए, पीडीएस साहब, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, वो सारे खोले जा रहे हैं। तो लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और नक्सली लगातार पीछे हटते जा रहे हैं और आईडी ब्लास्ट घटना लगभग 2 साल बाद हुई है। मैं समझता हूं कि ये नक्सलियों का हताशा ही है कि उन्होंने इस प्रकार की घटना, बाहर के कैडर नक्सली के लिए भी जो नक्सल नीति के आधार पर जो नीतियां बनी हैं, जो जवान शहीद होते हैं या सिविलियन शहीद हो रहे हैं सबके लिए हमने मुआवजा की व्यवस्था की है, उसके तहत सबको मिलेगा। तो सरकार अंतिम लड़ाई की बात करती है नक्सलियों के साथ, लेकिन जब जब सरकार बोलती है नक्सलियों के साथ लड़ाई अंतिम है, तब तब नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। कहीं चूक हो रही है सरकार से या फिर पुलिस से, सुरक्षा बल से? देखिए, जवानों की शहादत हुई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पहले और अब में बड़ा अंतर आया है। पहले कैंपों पर हमला होता था और जवान अपनी सुरक्षा करते थे, आज नीति में परिवर्तन हुआ है, अब हमारे जवान सच करके उसके साथ मुठभेड़ करके लड़ाई लड़ते हैं और नक्सलियों को भी अपने जवानी पड़ती है। तो हमारे जवान
कैंपों में अपनी जान नहीं दे रहे हैं बल्कि लड़ते हुए शहादत हो रही है। बिल्कुल सर, ये जो समय चुना नक्सलियों ने, चुनाव को 6 महीने शेष है, शक्ति प्रदर्शन एक तरीके का नहीं लग रहा? ये चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि ये जो समय है ग्रीष्मकालीन, ये उसी कुर्सी का रहता है कुर्सी का, और क्योंकि जंगलों में अब पेड़ पौधे सूख जाते हैं, विजिबिलिटी बढ़ जाती है, और ये नक्सलियों के लिए भी और हमारे जवानों के लिए दोनों के लिए सुविधाजनक होती है। तो ये तो ये अवसर की बात है कि हमारे जवान ज़्यादा शहीद हो गए, वरना हमारे जवान को एक घायल करके और एक आदमी जिंदा पकड़ के लाए, दोनों को यहाँ ले आए हैं, एक उपचार चल रहा है और एक हमारी कस्टडी में है। तो ये इस प्रकार घटनाएं पहली बार आप देखेंगे, बहुत समय बाद इस प्रकार घटना घटेगी, जंगल में जाके घेर के नक्सलियों को पकड़ के ला रहे हैं। सर कहीं ना कहीं एसओपी पालन नहीं किया जा रहा है, कैंपों की संख्या और बढ़ाई जाएगी चुनावी साल है। हमने डिमांड की भारत सरकार से और मिलेगा और कैंप भी लगाए। सर एसओपी का पालन नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो नक्सली, ये जो सड़क है तो पक्की सड़क है और पक्की सड़क में उसमें पैदल आना आइडियल पोजीशन तो ये है कि पैदल आते लेकिन सड़कें पक्की बनी हुई है और तो उस रिस्क लिए और वो आए और दुर्घटना घटी है। वैसे भी आप देखें मोटरसाइकिल से भी पिछले समय आ रहे थे, ब्लास्ट हुआ अभी 3 जवान हमारे शहीद हुए। देखिए पहली बार के भारत के संविधान के स्वाद हथियार छोड़े बात करने।